भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भोपाल के अंदर आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जा रहा है, जिसमें मैं सभी अध्यापकों का और सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। साथियों, ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे क्यों मनाया जाता है और रेड क्रॉस के बारे में आप क्या जानते हैं? रेड क्रॉस को अधिकतर लोग जोड़ते हैं आपदाओं से, कि जब कोई कहीं पर भूकंप आ जाता है या बाढ़ आ जाती है वहाँ पर रेड क्रॉस के लोग काम करते हैं। और जो स्कूलों के अंदर बच्चे JRC और YRC के बच्चे होते हैं, जूनियर रेड क्रॉस के बच्चे होते हैं, यूथ रेड क्रॉस के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ एसोसिएशन किया जाता है, उनको लेकर के जाया जाता है। जहाँ पर बाढ़ और भूकंप आती है राहत कार्य किया जाता है, सामग्री बांटी जाती है, दवाइयाँ बांटी जाती हैं, रोगियों को वहाँ से उठा करके अस्पताल लेकर के जाया जाता है, फर्स्ट एड दी जाती है। इन सब के लिए स्कूलों के अंदर जो बच्चे होते हैं वो उस टीम का हिस्सा होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि सर जीन हेनरी डूनान, जो बहुत बड़े एक स्विच बैंक अधिकारी के बच्चे थे और उन्होंने जब इटली के युद्ध को देखा अपनी आँखों से, तो उस समय जो वहाँ पर लोग घायल पड़े हुए थे उन घायलों का उपचार करने के लिए डॉक्टरों की टीम नहीं थी। उस समय बच्चा वो 8वीं क्लास में पढ़ते थे, उन्होंने 8वीं क्लास के बच्चों को अपना दोस्त बनाया, उनका जो जेब खर्ची मिलता था उसको इकट्ठा किया, उनसे पट्टियाँ खरीदी, कुछ दवाइयाँ खरीदी और उन लोगों की मदद की। तो विशेषकर ये मानवीयता का जो काम है ये रेड क्रॉस के द्वारा किया जाता है। ब्लड डोनेशन कैंप है, आप अक्सर देखते हैं आपके विद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप लगे होंगे। ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाए जाते हैं वो भी रेड क्रॉस के द्वारा लगाए जाते हैं। जहाँ तक हम बैसाखी की बात करते हैं या जो दिव्यांगजन होते हैं उनको लोअर लिम्स हैं अपर लिम्स हैं वो दिए जाते हैं, वो भी रेड क्रॉस के द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल है सेक्टर 16 के अंदर, जो बहन बेटी विधवा हो जाती हैं या जिनकी कई बार अपना माँ बाप नहीं होते हैं, अकेली रह जाती हैं, तो जो नौकरी और पेशा करती हैं वो बालिकाएं, वो लड़कियां उसमें रहती हैं और जो नौकरी मिलती है उसका कुछ हिस्सा उसमें दे करके अपना जीवन यापन करती हैं। रेड क्रॉस के द्वारा बहुत सारे काम हैं कि कई बार जैसे बच्चे हैं, अब किसी के माता पिता फीस नहीं भर सकते हैं, किसी का दाखिला नहीं होता है, उस समय वो रेड क्रॉस में आते हैं कि सर हमारे बच्चे का दाखिला नहीं हो रहा है, वहाँ से एक लेटर इशू होता है उस बच्चे का दाखिला हो जाता है। या कोविड काल था, कोरोना काल था, कोरोना काल में आपने देखा कि लोगों की काउंसलिंग करने के लिए हमने कुछ विद्यार्थियों के NSS और NCC के जो बच्चे थे उनको बुलाया, उनकी मदद ली, उनसे हमने कोविड काल के अंदर उन लोगों का डाटा इकट्ठा करवाया, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी ड्यूटी लगाई, सभी ने अपना बहुत ईमानदारी से उस ड्यूटी को निभाया और उनको 15 अगस्त 26 जनवरी पर सम्मानित भी कराया। तो रेड क्रॉस एक बहुत बड़ी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेड क्रॉस संस्था है और इसमें आप सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, इसकी मेंबरशिप लेनी चाहिए। मेंबरशिप में क्या होता है कि जो 500 रुपये और 1000 रुपये लेकर के इसमें जो मेंबर बनते हैं उसका जो फंड आता है वो वेलफेयर में खर्च होता है, दीन दुखियों के लिए, गरीब असहायों के लिए, दिव्यांगों के लिए, उनके लिए ये फंड खर्च होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो 25,000 रुपये दे करके जुड़ते हैं, जो 50,000 रुपये दे करके जुड़ते हैं और जो 500 रुपये दे करके भी इसकी मेंबरशिप लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस संदेश को आपने घर घर तक पहुंचाना है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे क्यों मनाया जाता है, इसके जन्मदाता कौन है और किस प्रकार से इसको मनाया जाता है।